हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई कुमक्कर। तो सोच रहे होगे ये स्काई कुमक्कर घर में बैठ के क्या कर रहा है। सॉरी गाइस, मैं घर में बैठ के कुछ कर नहीं रहा हूँ। एक्चुअली जो मेरी कैमरा मैन है पूजा मैम, आज मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है। और डिनर भी ऐसा कि मतलब मैंने खाया है एक दो बार, लेकिन बहुत ही सादा सिंपल है और बहुत ही अनोखा है। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं अपने ब्लॉग में लाइफस्टाइल ब्लॉग भी डालता हूँ, मतलब लाइफस्टाइल ब्लॉग, मोटो ब्लॉग और घूमने फिरने का ब्लॉग। मतलब अपनी लाइफ से, मतलब आंखों से जो दिखा मुझे पसंद आया, मैं वैसे ब्लॉग्स बनाता रहता हूं, आप लोगों का एंटरटेनमेंट करता रहता हूं। तो इसी तरह मैं पहुंच गया हूं आज डिनर करने पूजा मैम के घर पे। तो चलिए, एक बहुत ही यूनिक चीज है जो आज पूजा मैम मुझे बनाकर खिलाएंगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर किया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। यदि आप लोगों को पसंद आए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और यदि आप लोगों ने खाना वो खाया हुआ है वो चीज तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, बड़बड़ बहुत ज्यादा हो गया, अब चलते हैं सीधा पूजा मैम के पास और देखते हैं क्या अनोखी चीज है। और हाँ, जो नहीं सब्सक्राइब किया हो ना, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, दिल को अच्छा लगता है, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। तो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे मैं और मेरे बगल में मेरी कैमरा मैन पूजा मैम है, जो कि आपको हाय हेलो कर रही है। तो आज हम सिंपल सादे कपड़े में, घर के कपड़े में है, कुछ वो हो तो माइंड मत कीजिएगा। और ये मेरा पर्सनल वीडियो है दोस्तों, मैं पर्सनली डालता हूं। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूं, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, आटे को गूंथ कर उनको कट किया गया है। एक्चुअली मुझे पहुंचने में थोड़ा सा यहां पे लेट हो गया, तो एक अभी बची हुई है आटे की वो लोई, जैसा कि मैं अपने हाथों से दिखा पा रहा हूं, एक आटे की लोई बची हुई है। और मैम, पूजा मैम, इसको क्या बोलते हैं? दाल फल। दाल फल, आज मेरा कूल डिनर इनवाइट है दाल फल। तो दोस्तों, जो भाई बंधु खाए हो ना, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और नहीं खाए हो ना तो आज बनाना सीख लो कुछ यूनिक और कुछ नया। तो जैसा कि आप हमारे सामने देख पा रहे हो, ये गेहूं के आटे का पीठ है, और ये क्या है मैम? वो आटा है। आटा है, जैसा कि आप मेरे हाथों में देख पा रहे हो, आटा है। और चलिए, अब मैम मुझे इसका बताएंगी कैसे बनता है, और फटाफट से दिखाते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे हो ना, हम किचन में एंट्री मार चुके हैं, और ये आप हमारे सामने जो कुकर देख पा रहे हो, इस कुकर के अंदर हम जैसे घर में नॉर्मल दाल पकाते हैं ना दोस्तों, वैसे ही नॉर्मल दाल पका हुआ है। तो एक बार मैं पूजा मैम से कहूंगा कि एक बार खोल के दिखाइए मैम प्लीज। वाओ, तो दोस्तों देख पा रहे हो ना, इसमें मैम नमक आप डाले हो? इसमें नमक ऑलरेडी है दोस्तों, और हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल के जैसा आप घर में नॉर्मल दाल बनाते हो ना दोस्तों, वैसे ही नॉर्मल दाल यहाँ पे बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कुकर में। तो हमारा दाल रेडी है, तो चलिए अब हम दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों देख पा रहे हो ना, कुकर को गैस पे रखने के बाद अब पूजा मैम के हाथ में क्या है मैम दिखाइएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, लहसुन है, लहसुन को हमने छील लिया है। अब पूजा मैम, इसको क्या करोगे आप? इसको बारीक बारीक करोगे। तो अब इसको खलबट्टे में, जिसको है कांच का बहुत ही छोटा सा, बहुत प्यारा सा, क्यूटू सा है, अब इसको मैम बारीक कर रही है, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों देख पा रहे हो, अब यहाँ पे हमारा ये सरसों, राई, जीरा और लहसुन और ये तेल रेडी है। इसी के लहसुन के बीच में कूटते समय हमारा ये जो कुकर है ये पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैम इसमें शायद तेल डालेंगी।
तेल को थोड़ी देर दोस्तों गर्म होने देना है। तो दोस्तों हमारा लहसुन हो गया तैयार, अब इसमें हम डालते हैं फटाफट पानी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसा कि इसमें पानी डल चुका है। आपको जितना पानी चाहिए दोस्तों आप अपने अंदाज से पानी इसमें डाल सकते हो। दोस्तों अब इसमें नमक डाल के हम 10 मिनट के लिए इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों जैसा देख पा रहे हो पानी को बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम जो आटे का रोटी बनाकर वो कट किए थे अब इसमें हम धीरे धीरे से डाल देंगे। गैस को कम कर दिया है हमने। तो दोस्तों हमने सारा इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिया है, अब इसको वापस से हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हो ना बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। अब इसी में जो हमारा ये दाल है सादा सिंपल सा, अब इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, एक बार भी इसको हिलाकर हम देख लेते हैं। वाओ, एक्चुअली दोस्तों ये मत सोचना है क्या बना के क्या खा रहा है, क्या डाइट है, ये एक्चुअली डाइट जेवन है दोस्तों। यदि आप लोगों को भी डाइट करना है ना तो इसको अपने डिनर में जरूर शामिल कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी डाइट है और डिनर है। तो दोस्तों अब हमारा ये पूरी तरह से तैयार हो गया है, अब हम गैस को बंद करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा डाइट डिनर है ना उसके साथ हमें हरी हरी चटनी भी चाहिए। तो चटनी बनाने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे सामने धनिया है, मिर्ची है, लहसुन है, टमाटो है और ये हमारे बगल में मिक्सर जार है और ये नमक है दोस्तों। तो अब इसको हम इस मिक्सर जार में हम डालेंगे और बनाते हैं हरी हरी खूबसूरत सी चटनी। तो दोस्तों देख पा रहे हो ना हमारा मिक्सर का सेटअप तैयार है, अब हम मिक्सर को ऑन करके फटाफट से हम अपनी चटनी तैयार करते हैं। दोस्तों अब हमारा डाइट डिनर तैयार हो गया। ऐसा मत सोचिएगा इसका एक मकड़ कुछ घुमाया नहीं, एक्चुअली आज काफी थक गया था, थोड़ा सा 2-4 दिन इधर उधर गया था, थोड़ा सा थक गया था, आप समझ जाइएगा हमारी इस बात को। तो इसलिए पूजा मैम ने मुझे इन्वाइट किया डाइट डिनर के लिए। यदि कोई भाई बंधु हेल्दी खाना चाहते हो ना तो ये डाइट डिनर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। तो हमारा डाइट डिनर तैयार है दोस्तों, चलिए दिखाते हैं हम। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. So, dosto, ab mera diet dinner taiyar ho chuka hai. To jaisa ki Pooja mam mujhe de rahi hai special डाइट डिनर। यदि आप लोग भी डाइट डिनर करते हो ना दोस्तों तो ये डाइट डिनर जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत। मेरे सामने एक थाली आ चुकी है जैसा कि आपको मैंने थाली दिखाई दिया था, तो बहुत ही प्यारी ये थाली है दोस्तों। यदि आपको भी डाइट डिनर पसंद हो तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं एक्चुअली अब आपको घुमाने वाला हूँ कहीं यूनिक जगह, तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखिएगा। तो चलिए इसका एक मकड़ मिलता है फिर से किसी नई जगह पे, नए माहौल में, नए अंदाज में। सॉरी टेस्ट करके बताना तो भूल गया, एक मिनट रुकिए। डाइट डिनर बहुत अच्छा है दोस्तों, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। चटनी खाना भूल गया, चटनी टेस्ट करके बता रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी है। चलिए बाय बाय।